इतना बड़ा शहर होने के बावजूद भी रजत शहर से दूर एक बड़े से महल में रहता था। वो महल रजत का पुश्तैनी महल था। रजत का पुश्तैनी महल बहुत शानदार और खूबसूरत था। जहाँ रजत महल में अकेला रहा करता था, तो वहीं दूसरी ओर गांव का कोई भी व्यक्ति उस महल के आसपास भी नहीं भटकता था। एक दिन बहुत तेज बारिश हो रही थी, तभी उसके घर की डोरबेल बजती है। रजत जैसे ही दरवाजा खोलता है, उसके सामने बहुत ही सुंदर लड़की होती है। लड़की अचानक रजत से बोलती है, सुनिए, मेरी गाड़ी खराब हो गई है और मुझे लगता है यहाँ आसपास कुछ और भी नहीं है। अगर आप बुरा ना माने तो क्या बारिश बंद होने तक मैं यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ, क्यों नहीं, तुम अंदर आ जाओ। थैंक यू सो मच, मैं बारिश के रुकते ही यहाँ से चली जाऊंगी। कोई बात नहीं, आप अंदर आ जाओ। मेरा एक दोस्त मैकेनिक है, मैं उसे फोन कर देता हूँ। वह अभी आपकी गाड़ी को अपनी दुकान में ले जाएगा और ठीक होते ही मुझे इन्फॉर्म कर देगा। अब वो लड़की अंदर आकर बैठ जाती है। तभी रजत देखता है कि वो लड़की पूरी तरह से भीग चुकी है और गीले होने की वजह से कांप रही है। जिसके बाद रजत कहता है, मैं आपके लिए अभी टॉवेल लेकर आता हूँ, आप पूरी तरह से भीग चुकी हैं। आप टॉवेल से खुद को पोंछ लेना, वरना आपको ठंड भी लग सकती है। अब जैसे ही रजत टॉवेल लेकर आता है, तो वो देखता है वो लड़की अपनी जगह पर नहीं है। ये देखकर रजत थोड़ा शॉक हो जाता है और टॉवेल लेकर उस लड़की को इधर उधर देखने लगता है। तो वहीं दूसरी ओर रजत के सर के ठीक ऊपर छत पर एक काली परछाई होती है, जिसकी दो लाल आंखें दिखाई दे रही होती है। वो परछाई रजत को बार बार घूर रही होती है। इस बात से अनजान रजत को महसूस होता है कि कोई उसके पीछे है। अब जैसे ही रजत पीछे परख कर देखता है, तो वो अपने पीछे उसी लड़की को पाता है। जिसके बाद रजत उस लड़की से कहता है, तुम कहाँ चली गई थी? मैं तो बस तुम्हारा ये महल देख रही थी। बहुत सुंदर महल है तुम्हारा। वैसे इतने बड़े महल में तुम अकेले रहते हो? हाँ, एक्चुअली सबको लगता है कि यह महल भूतिया है, परंतु यह मेरा पुश्तैनी महल है और इसे मैं खाली नहीं छोड़ना चाहता। बस इसीलिए मैं इस महल में अकेला रहता हूँ। ये लो टॉवेल, तुम पानी पोंछ लो, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफी बनाकर लाता हूँ। शायद कॉफी पीने से तुम्हें गर्माहट मिले। वैसे मुझे तुमसे एक बात और पूछनी थी। हाँ, पूछो ना। नहीं, कुछ नहीं। ओके, वैसे तुम ये टॉवेल लेकर उस रूम में जा सकती हो। तुम फ्रेश हो जाओ, मैं जब तक तुम्हारे लिए कॉफी बना देता हूँ। अब वो लड़की रजत के हाथ से टॉवेल लेकर एक रूम में चली जाती है और अपने गीले बदन को पोंछने लगती है। तभी रजत उस कमरे के बाहर से गुजर रहा होता है। वो देखता है कि कमरे का दरवाजा थोड़ा सा खुला है, पर तभी वो लड़की रजत को अपने कमरे के बाहर देख लेती है और जल्दी से पूरा दरवाजा बंद कर देती है। जिसके बाद रजत भी वहां से चला जाता है। और कुछ देर बाद रजत कॉफी बनाकर लाता है। तुम्हारी कॉफी। थैंक्स, कॉफी और टॉवेल के लिए। वैसे अभी के टाइम पर इस तरह से कोई किसी की मदद नहीं करता। मुझे अच्छा लगता है लोगों की मदद करना। वैसे मैं आग जला देता हूँ, बारिश की वजह से मौसम काफी ठंडा हो चुका है। हाँ, और मुझे ठंड भी बहुत लग रही है। अब रजत आग जला देता है और दोनों आग सेकते सेकते बातें करने लगते हैं। बातें करते करते वो लड़की अपना नाम रजत को मीना बताती है। वो दोनों आपस में पूरी रात बातें करते हैं और शायद एक दूसरे को इतना ज्यादा जान लेते हैं कि एक दूसरे को पसंद करने लगते हैं। पर बाहर का मौसम अब तक साफ नहीं हुआ था, जिस वजह से मीना को एक और दिन रजत के महल में गुजारना पड़ता है। अब रात को रजत मीना के लिए खाना बना लाता है। ये देखकर मीना जोर जोर से हंसने लगती है। क्या हुआ, तुम हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं, बस ऐसे ही। वैसे तुम खाना बनाना भी जानते हो? हाँ, अकेले महल में रहता हूँ तो महल की साफ सफाई भी मुझे ही करनी पड़ती है। कई बार तो सोचता हूँ कि इस महल को टूरिस्ट प्लेस बना दूँ, फिर सोचता हूँ नहीं, ये मेरा पुश्तैनी है, यहाँ बहुत सारी यादें जुड़ी हैं। रजत बोलते बोलते थोड़ा इमोशनल हो जाता है,
जिसके बाद मीना उससे बोलती है, अच्छा बताओ इतना बड़ा महल है और तुम्हारे घर से तुम्हारे अलावा इस महल में और कोई नहीं रहता, तुम्हें अकेली इस महल में डर नहीं लगता क्या? इसमें डरने की क्या बात है, और हाँ मुझे डर नहीं लगता। रजत की बात सुनकर मीना उसे घूरने लगती है और जोर जोर से हंसने लगती है, जिसके बाद रजत एक बार फिर मीना से बोलता है, तुम हंस क्यों रही हो? पर मीना रजत के किसी भी सवाल का जवाब नहीं देती, और तभी दरवाजे की डोरबेल बजती है और रजत जैसे ही दरवाजा खोलता है तो वो देखता है कि वहाँ कोई नहीं है। तो शायद मेरा वहम था। अब रजत अंदर वापस आता है जहाँ वो मीना को देखता है। मीना के बाल बिखरे होते हैं और उसका चेहरा बहुत डरावना होता है। मीना को देख कर रजत डर जाता है और डरते हुए मीना से बोलता है, मीना तुम ठीक तो हो ना, तुम्हें क्या हुआ है मीना? पर मीना कुछ नहीं बोलती और धीरे धीरे उसके पास जाने लगती है और उसके पास जाकर उसके कानों में उससे बोलती है, तुम इतनी जल्दी डर गए। इतना बोलकर मीना जोर जोर से हंसने लगती है और हंसते हंसते रजत से दूर होकर उससे बोलती है, बस रजत इतने में ही, अरे तुम तो कह रहे थे कि तुम्हें डर नहीं लगता, सच में रजत तुम एक नंबर की डरपोक हो। वैसे रजत मुझे यहाँ तुम्हारे साथ बहुत अच्छा लग रहा है, क्या मैं कुछ दिन और तुम्हारे साथ यहाँ रुक सकती हूँ? हाँ क्यों नहीं, जब तक तुम्हारा दिल करे तब तक तुम यहाँ पर रह सकती हो। अब इसी तरह से एक हफ्ते बीत जाते हैं और पूर्णिमा की काली रात आ जाती है। उस रात रजत मीना के पास जाता है और उससे कहता है, मीना क्या तुम्हें डर नहीं लगता? तुम अकेली मेरे साथ इतने बड़े महल में कुछ दिनों से रह रही हो। मुझे डर नहीं लगता जब तुम मेरे साथ होते हो, और मैं तो चाहती हूँ कि मैं तुम्हारे साथ यही रहूं। मुझे हॉस्टल नहीं जाना, मुझे वहाँ बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। अच्छा अगर कोई भूत तुम्हारे सामने आ गया तब क्या करोगी? तब मैं उस भूत के सामने तुम्हें खड़ा कर दूंगी और उससे बोलूंगी कि ये महल तुम्हारा है, इसलिए तुम रजत के महल को छोड़कर चले जाओ। और वैसे भी तुम्हारी शक्ल तो इतनी डरावनी है कि भूत भी तुम्हें देखकर भाग जाएगा। बस तुम्हारी यही अदा मुझे तुम्हारे और करीब ले आती है। अब मैं तुम्हें इस महल से कभी नहीं जाने दूंगा, तुम खुद चाहोगी ना तो भी नहीं। अच्छा इतने कम दिनों में तुम्हें इतना प्यार हो गया मुझसे? यहाँ आने वाले हर शख्स से मुझे इसी तरह से प्यार होता है। इतना बोलकर रजत मीना को गले लगा लेता है और मुस्कुराने लगता है। कुछ देर बाद मीना जोर से चिल्लाती है, आह! मीना जोर से चिल्लाने के बाद रजत को खुद से दूर करती है और खुद सीने पर अपना हाथ रखकर नीचे जमीन पर गिर जाती है और तड़पने लगती है। पूरे फर्श पर खून ही खून होता है, जिसके बाद रजत एक इंसान से भूत बन जाता है और अपने एक हाथ से मीना का दिल लिए हवा में उड़ते हुए बोलता है, जो डर गया समझो बच गया, मुझे डराना चाहती थी तू, पर तुम नहीं जानती इस महल का भूत मैं ही हूँ और मेरी वजह से ही ये महल वर्षों से बंद है और मैं इस महल में सदियों से रह रहा हूँ। ये हवेली मेरी है और यहाँ आने वाला हर व्यक्ति मेरा शिकार, अब मुझे अपने दूसरे शिकार का इंतजार है। रजत का असली रूप देखकर मीना बहुत हैरान थी, पर अब उसके पास वो मौका नहीं था कि वो अपनी जान बचा सके। कुछ ही देर में मीना अपना दम तोड़ देती है और रजत एक बार फिर इंसान का रूप लेकर अपने नए शिकार के आने का इंतजार करने लगता है।